वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड, माई होम टाउन। तो गाइज अभी सुबह के बज रहे हैं 11 एंड सॉरी मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गया था, लेकिन आपके लिए मैंने कैप्चर किए हैं बहुत सारे व्यूज़, आप देख सकते हैं। बट जिससे पहले मैं व्यूज़ दिखाऊं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लेट इसलिए हुआ हूँ, सुबह से मैं भूल गया था कि मेरे को व्लॉग भी बनाना है, क्योंकि मेरा चल रहा था काम ऑफिस का। तो ये अभी मैं अपने भाई से भी करवा रहा था और खुद भी कर रहा था नीचे बैठ के, तो हम सब काम कर रहे थे, तो मिक्स में हम करते रहते हैं अपना काम ताकि ईजी रहे, काम रुकना नहीं चाहिए, प्लस व्लॉग भी नहीं रुकना चाहिए। तो चलते हैं, आज आपको दिखाते हैं ये नज़ारे, देखिए। तो गाइस कल जब हम आए थे तो यहाँ पे मतलब एकदम साफ था, धूप लगी हुई थी, और आज देखो मौसम एकदम बदल गया है। मैं आपको बता दूं कि आज का मौसम कुछ ऐसा है यहाँ पे, एंड बादल लगे हुए हैं, एंड जब तक ये देखो ये बादल लगे हुए हैं, तो मुझे प्रॉबेबली हो सकता है कि रात को बारिश आए या सुबह बारिश आए, या कल से 2 या 3 दिन तक बारिश ही रहने वाली है। बट मिस करेंगे क्योंकि कल या परसों में हमें भी निकलना है वापस गुड़गांव। तो आई थिंक आपने पहले भी मेरे ब्लॉग्स तो देखे ही हैं, तो ये घर, ये प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पे हमारा गाँव का घर कैसा है या यहाँ के व्यूज़, लैंडस्केप कैसे हैं, तो ये तो आपने ऑलरेडी देखे हैं। जिसने नहीं देखे वो जाके देखो पहली वीडियोज़ में। एंड अभी का आज का रूटीन अभी ये है कि मम्मी ने बोला है चाय बना के खेत में ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही होता है गांव में, तो मम्मी है खेत में काम कर रही है, तो मैं उन वो चाय गौतम बना के उनके लिए ले के जा रहा है, आप देख सकते हैं। सोच रहा हूँ वो चाय लेके जा रहा है तो मैं भी चले जाता हूँ, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, फिर आके बैक कर मतलब थोड़ी देर में, आधे घंटे में आके फिर काम शुरू करते हैं। सो गाइस थोड़ी देर पहले अभी बारिश होना शुरू हुआ था, लेकिन अभी मतलब प्रॉपर हुई नहीं है, तो थोड़ी देर में हो जाएगी तो फिर दिखा दूंगा, मौसम तो बन गया है। बट बैक टू वर्क, आज का दिन अभी ऐसा ही है। अभी खाना बना रहे थे तो थोड़ी देर में लंच करेंगे, तो अभी लगा हुआ मैं ऑफिस के काम में। सो गाइज मैंने भाई को भी लगा दिया अपने काम पे, एंड ही इज़ ऑल्सो डूइंग इट। एंड फिलहाल के लिए मौसम देखते हैं बाहर। सो मौसम कुछ ऐसा ही है अभी तक, दिन के 1 बज रहे हैं, तो चलते हैं थोड़े जंगल वंगल से। तो नीचे खेत आजकल ऐसे हैं, कभी कभार एकदम घास ही घास होती है। ये लकड़ियाँ स्टोर करके रखी है यहाँ काट के, ताकि आग जलाने में दिक्कत ना हो, रात को यहाँ ठंड लगती है तो आग जलाने के लिए हमें लकड़ियाँ वगैरह स्टोर करनी पड़ती हैं। और ये जो गांव में होता है घास वास लेने के लिए, सामान वामान लाने के लिए, कंडे, एंड यहाँ भी लकड़ियाँ स्टोर कर रखी हैं। ये आलू लगा रखे हैं साइड में, नीचे भी थोड़ी बहुत सब्जियाँ लगी होंगी, बहुत सारी चीज़ें लगी होंगी। तो मम्मी अकेली है तो कर नहीं पाती, पहले के ज़माने में तो बहुत कुछ होता था। इधर का आप देखो जहाँ तहाँ लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई हैं, हर जगह लकड़ियाँ ऐसे स्टोर की जाती हैं गांव में हमारे यहाँ। और यहाँ देखिए, यहाँ पे लकड़ी काटी गई है, ये आई थिंक ये आम की लकड़ी है, ये आम का पेड़ था कभी, और इसकी लकड़ी काटी गई है। तो गाइज ये भी पहले हमारे, मतलब ये भी अभी भी हमारे खेती है, लेकिन पहले इनमें हम सब्जियां वगैरह उगाते थे, अब बंजर पड़ी हुई है, घास वगैरह उगा रहे हैं, घास भी सेल होता है और इस तरह से स्टोर होता है, यहाँ पे सुखाया जाता है, कुछ घास सुखाया जाता है, कुछ ऐसा मतलब होता होगा, मेरे को भी अब याद नहीं रहा बहुत सारी चीज़ें। एंड ये पाइन ट्री यहाँ कहाँ से आ गया ये मुझे नहीं पता चल रहा, यहाँ पर पाइन ट्री उगाए हैं, अच्छी बात है। और ये देखो, ये पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था मैंने, इतना बड़ा पेड़ है और ये टूटा पड़ा है यहाँ पे, तो पिछली बार मैंने यहीं तक आपको दिखाया था। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं जंगल में, आज कुछ है नहीं करने को, तो चलो है तो करने को लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है, दोनों काम है हमारे, व्लॉग भी बनाना हमारा ही काम है और ऑफिस का काम भी हमारा ही काम है, तो सारे काम करने और सबको टाइम देना ज़रूरी है। तो ये गाइस अगस्त मुनि यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखता है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रमबास है, जिसमें कांटे लगे होते हैं, ख़तरनाक चुभता है ये, इसमें बहुत गंदा कांटा होता है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही नुकीला होता है ये और बहुत ही डेंजरस हो सकता है, इससे बच के रहो। वैसे जहरीला तो नहीं होता है लेकिन चुभता बहुत है। ये बांस का पेड़ है, नया उगा है,
तो अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पे पहले कोई दूसरा पेड़ हुआ था, अब बांस लगा हुआ है। यहाँ भी बहुत कुछ स्टोर किया हुआ है, यहाँ तक मतलब स्टोर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये पूरा ये जंगल अभी मेरे घर से यहाँ तक आया है, ये हमारी ही प्रॉपर्टीज़ में आता है। आई मीन ये पूरा पहाड़, उसकी हमारी यहाँ पहाड़ों में बाउंड्रीज होती हैं, तो आई थिंक काफ़ी दूर बाउंड्री होगी अपने पहाड़ों की। और अगर नीचे भी बात करूँ तो नीचे भी काफ़ी दूर बाउंड्री होगी, अगर दिख गई कहीं से तो दिखाऊँगा। सो गाइस, घर से इतनी दूर आते हैं हम कचरा डालने के लिए, हमारा कचरा इस साइड में स्टोर होता है, क्योंकि क्या है कि ये कनेक्ट करता है मतलब नेचुरल बरसाती गदेरों से, तो जब ऑटोमेटिक बारिश आती है तो ये कचरा ऑटोमेटिक बह के सीधा नीचे गदेरे में चला जाता है। तो डिस्पोज करने का तरीका तो है नहीं अभी यहाँ पे, तो इस तरीके से ही रहता है। तो ये जब मकान वगैरह बनते हैं तो इस तरीके से पत्थर भी निकाले जाते हैं यहाँ पे यार, इस तरीके से पत्थर भी यहाँ पे मतलब यहाँ से निकाल लो, मकान बना लो या कुछ भी बना लो। ये जो रास्ता दिख रहा है आपको बहुत काफ़ी चौड़ा है, ये इतना चौड़ा था नहीं, वैसे पहाड़ों में इतने चौड़े रास्ते नहीं होते हैं, बट ये एक टाइम पे मेरे फादर शायद इसको रोड बनाना चाह रहे थे, गाड़ी वाला रोड, तो उन्होंने खुद से ये चौड़ा किया था रास्ता काफ़ी दूर तक, काफ़ी किलोमीटर्स तक। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक सरकार ने कुछ किया नहीं, तो यहाँ कोई रोड आई नहीं, और इस वजह से हमें ना हमारे कोई गांव के लोग इंटरेस्ट लेते हैं उस चीज़ में, ना हमारे जो गवर्नमेंट है इस चीज़ पे काम कर रही है कि हमारे लिए रोड्स वगैरह यहाँ पे प्रॉपर आ नहीं रही है। सो आई एम ट्राइंग कि शायद इस चीज़ को हम पूरा करें जल्द से जल्द, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, या खुद से भी करना पड़े तो हमको करना पड़ेगा ही JCB लगा के। बट अभी का प्लान नहीं है, भविष्य के प्लान है, कुछ साल लग सकते हैं इसमें। सो गाइस, ब्लॉग बनाते बनाते काफ़ी आगे आ गया। ये सामने है जो गांव आपको दिख रहा है, ये है भौसाल, थोड़ा सा आगे तक जंगल है, उसके बाद फिर नॉर्मल रास्ता है, पक्का सीमेंटेड रास्ता। और अभी चलते हैं घर, लंच करते हैं। तो फाइनली गाइस घर के पास पहुंच गए, चलते हैं थोड़ी देर में लंच करते हैं। गाइस ये ओखली है, इसमें पहले धान वान कूटी जाती थी, जैसे चावल वगैरह, गेहूँ वगैरह, बहुत सारी चीज़ें कूटी जाती हैं, और आज भी कभी उत्तराखंड के गाँव में ये ट्रेडिशन है, तो इस स्टाइल में गाँव के घर बने होते हैं, अलग अलग स्टाइल में लोग बनाते हैं। तो ये हमारा घर कुछ इस स्टाइल में बना है, इस तरीके से बना है गाँव का। तो गाइज़ मार्च के पहली तारीख को, मार्च 2024, सामने देखो केदारनाथ साइड में फुल ऑन बारिश हो रही है, बहुत बर्फ़ पड़ने वाली है, जो इस समय यहाँ ट्रैवल करना चाहता है आ सकता है। तो गाइज़ फाइनली खाना हो गया मेरा, और मम्मी अभी भी खा रही है, और सामने हमारी मूवी चल रही है। सो गाइज, ठंड बहुत हो रही है बाहर, तो काफ़ी देर से शाम के अभी 5 बज गए हैं, और काफ़ी देर से लंच के बाद से तो मैं यहीं बैठा हूँ, क्योंकि बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा, ठंड लग रही है बाहर और मौसम बहुत ख़राब है, बर्फ़ पड़ रही है चोपता साइड में, केदारनाथ साइड में। तो दिखाता हूँ थोड़ी देर में बाहर का मौसम, दिखाता हूँ आपको। सो गाइज, शाम के 6 बज रहे हैं और चाय का टाइम हो गया है, साथ साथ हमने भाई अभी से बॉनफायर शुरू कर दिया है, लेकिन अभी अभी मतलब सनसेट भी नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूं, सामने का मौसम देखो आप, और इधर देखो आप, उधर बारिश आ रही है, इधर धूप लगी हुई है, देखा आपने दोस्तों, इधर लगी है धूप और सामने हो रही है बारिश केदारनाथ साइड में। तो मेरी आवाज थोड़ा कम आ रही होगी, लेकिन मौसम इंजॉय करो यार। तो गाइस तब तक मैं ये आग सेक लेता हूँ, आप व्यू को एंजॉय करो। सो गाइस फाइनली रात हो गई, बॉनफायर कर रहे हैं, सामने का मौसम आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हो रखा है, और दिन में तो बारिश आ रही थी, अभी भी हल्की फुल्की बारिश तो आ ही रही है। तो गाइस ठंड बहुत हो रही है यार, थोड़ा सा मज़ा आ रहा है मतलब पहाड़ों में आग सेकते हुए, भाई यार बारिश भी आने शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है, पहली बार देख रहे हो, तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और भाई या जो भी ये लोग ब्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ यार अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाओ, चैनल को शेयर करो, और इस वीडियो को तो देखो ही देखो, अगली वीडियो को भी देखो और पूरी वॉच करो। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।